नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का ग्रेट दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और ये ग्रेट दंगल इसलिए ग्रेट बन गया है क्योंकि एक पूरा हिंदुस्तान देश की राजधानी में सिमटा होता है मतदान एमसीडी चुनाव के लिए। लेकिन कितना बड़ा ये अखाड़ा देश की राजनीति के लिए इस वक्त, इसका अंदाजा आप लगाएंगे उन तूफानी बयानों से जो नेताओं ने दिया है। लेकिन जो तूफानी इस वक्त वोटिंग हो रही है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। ग्रेटर कैलाश, पांडव नगर, रोहिणी, द्वारका, यमुना विहार, तुगलकाबाद, हर एक जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। 5:30 बजे शाम तक वक्त है। देश की राजधानी में जितने भी लोग हैं, लगातार ये कहा गया कि वोटर धाकड़ है, ताकि धाकड़ वोटर निकलकर आज अपना वोट डाले ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और 270 वार्ड्स में 72 है, लेकिन सिर्फ 270 वार्ड पे आज मतदान हो रहा है और उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सुबह सुबह का जोश बताता है कि दिल्ली एमसीडी चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हालांकि वोट प्रतिशत पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं सुबह सुबह जो वीआईपीज हैं वो पहुंचने लगे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल साहब ने वोट डाला, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वोट डाला। वोट डालने के बाद क्या कह रहे हैं और बाकी लोगों को भी कह रहे हैं वोट डालने को, सुन लीजिए। भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है, इस मकसद से आज वोट डाला है। हाँ। और इसी से दिल्ली की साफ सफाई होगी। आज दिल्ली की जनता जो वोट डालेगी पिछले 10 साल के कुशासन के खिलाफ, उसके लिए वोट डाला। तो आपका मैसेज पहुंचा दिल्ली वालों के पास, जो आप कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल पहुंचा है। आज परसेंटेज कम था पिछली बार, इस बार क्या करेंगे? मैं लोगों से अपील करूंगा कि अगर आप आसपास की गंदगी आपको परेशान करती है, अगर आसपास डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां, एमसीडी का भ्रष्टाचार आपको परेशान करता है, तो जरूर आज वोट डालने जाएं। सर आप पहली बार संख्या में आए और वोट डालें। सर पब्लिक से अपील करेंगे सर जी, अपील करेंगे कि खूब मात्रा में आए और खूब वोट डालें। तो ये आपने सुन लिया उपराज्यपाल को, मुख्यमंत्री को। अब आइए आपको सुनाते हैं कपिल मिश्रा, मंत्री है इस वक्त दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने, क्या उनका कहना है चुनाव के बाद वोट डाल दिया होगा, सुन। दिल्ली में 272 निगम की सीटों के लिए मतदान हो रहा है, ऐसे में यमुना विहार के बी ब्लॉक में वोट डालने के लिए अपना पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा और साथ में दिल्ली की पूर्व मेयर अन्नपूर्णा मिश्रा। कपिल जी, मताधिकार का इस्तेमाल किया है, क्या रवानगी है, क्या तरन्नुम है, किस तरीके से लोकतंत्र का उत्सव आगे बढ़ रहा है, वोट डालकर क्या पाए? शानदार है, लोकतंत्र का खास दिन होता है मतदान का दिन, और हमने सबसे अपील की है पहले मतदान फिर जलपान। तो नगर निगम का चुनाव नहीं कर, अब जाके करेंगे। और नगर निगम का चुनाव है, नगर निगम के सारे जिंदगी के डे टू डे लाइफ के मुद्दे नगर निगम से जुड़े होते हैं, सबको वोटिंग करनी चाहिए, सबको वोटिंग करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि घर की चली है वोटिंग में कि पार्टी की चली है? पार्टी की चलिए। घर और पार्टी एक ही है, जो चलाई जाती है वो चली है, जाहिर सी बात है कि वोटिंग का इस्तेमाल करके दोनों लोग निकले हैं, कपिल मिश्रा, अन्नपूर्णा मिश्रा, और वोटिंग करने के लिए सभी दिल्ली के मतदाताओं से खास तौर पर अपील कर रहे हैं। कैमरामैन सतविंदर के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। सुबह की मुस्कुराहट शाम होते होते फिर रणनीति पर विचार, फिर ये कि क्या हुआ, क्या नतीजे आएंगे। इसी बुधवार को नतीजे आने वाले हैं, रहिएगा आज तक के साथ। लेकिन इस बीच पांडव नगर आपको लिए चलते हैं, जहां से संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं वहां पर लोग, और ये दिलचस्प है कि आज कपिल मिश्रा ने वही कह दिया जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, पहले मतदान फिर जलपान। यहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ भी, कुछ मतदाता भी हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ अभी अंदर गए हैं जो वोट कर रहे हैं। अधिकतर लोग ये सोच कर आए थे कि 7 बजे से मतदान है, तो 7 बजे से यहाँ कतार लगना शुरू हो गई थी, लेकिन 7:45 बजे के करीब तमाम मतदाताओं को अंदर जाने दिया गया। ये कुछ ऐसे खास बूथों में से है जहाँ 2 इम्तहान, 2 कतारें, 2 लक्ष्य लेकर लोग यहाँ आए हैं। एक तरफ इधर मतदान चल रहा है, इधर इम्तहान चल रहा है, दूसरा इम्तहान है यानी एनडीए का इम्तहान है, जहाँ आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ आए हैं। यानी 2 तरह की चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ दिल्ली का भविष्य तय हो रहा है, एक तरफ इन नौजवानों का भविष्य तय हो रहा है। फिलहाल मतदान की गति, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, तापमान हरारत बढ़ रही है, वैसे वैसे मतदान की गति भी तेज हो रही है। उम्मीद की जा रही है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की कतार लंबी होगी, मतदाता यहां पर ज्यादा बड़ी तादाद में हाजिर।
हाजिर होंगे। जिस तरह की बात कपिल मिश्रा कह रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जलपान तो छोड़िए स्नान तक नहीं किया, लोग पहले यहाँ वोट करने आए हैं। हमारी कई लोगों से बात हुई, उन्होंने बोला कि जलपान तो बाद की बात है, हमने स्नान भी नहीं किया है, पहले मतदान। तो कुछ मतदाता यहाँ पर हैं, आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि पहले भी वोट कर चुके हैं, पहली बार के वोटर नहीं हैं। नहीं, तो नहीं। आप लोगों ने भी ये फॉलो किया कि जलपान बाद में करना, पहले मतदान करना? बिल्कुल, मतदान पहले है, जलपान बाद में है। मतदान करते समय क्या चीजें ध्यान में रहती हैं, बदलाव या जो चीजें चल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नो, जो हमारे आसपास गंदगी है उसकी सफाई हो, उसका वो सबसे ज्यादा ध्यान रहता है वोट डालते। और आपका नाम क्या है? शशि अग्रवाल। तो शशि, आपने जिस समय वोट किया है उस समय किन उम्मीदों के साथ वोट किया है? कि दिल्ली साफ सुथरी हो। साफ सुथरी रखने में सरकार और नगर निगम का की जिम्मेदारी तो है, जनता की जिम्मेदारी, जनता कितना उस जिम्मेदारी को निभा रही है? देखिए, हम तो फॉलो करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी फॉलो करें और सरकार भी थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि कुछ काम सरकार के हैं वो सरकार ही कर सकती है, हम नहीं कर सकते। आपका नाम क्या है? आप भी वोट करके आ गए हैं? वोट करने करके आ गए हैं सर। आपका निशान? निशान। अच्छा, तो आप किस उम्मीद से आपने वोट किया है, क्या हो आपके वोट का क्या नतीजा हो, क्या परिणाम हो? कैसा भाई, कोई ऐसी सरकार आए जो पब्लिक की सुने, जो हमारे एरिया में जितनी गंदगी, इतने मच्छर हैं, इनका जो बेसिक फैसिलिटीज है वो तो दे कम से कम। और तो आप नाश्ता वाश्ता करके आई हैं? नहीं, अभी नहीं करके आए। इनमें से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है और इनका कहना है कि सिर्फ जो चीज यहाँ दिल्ली में परेशान कर रही है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में, वो ये कि गंदगी से निजात मिले, मच्छरों से निजात मिले। अभी फिलहाल कुछ दिन, मैं इसी इलाके का वोटर भी हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, तो यहाँ जब मतदान का दिन नज़दीक आया तब दो तीन बार फॉगिंग जरूर हुई है, क्योंकि कहते हैं ना कि अप्रैल मई का टाइम अप्रेजल का होता है, यही अप्रेजल इनका टाइम है और इन्होंने भी पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तो ऐसे में दो तीन बार मच्छरों की मशीनें तो जरूर चली हैं, लेकिन आगे के पाँच साल कैसे होंगे ये तो तय होगा कि मतदाताओं ने क्या किया है। बिल्कुल, और आज आपने उस नारे में जोड़ दिया, न स्नान न जलपान, पहले मतदान। लेकिन दिलचस्प है, जैसे जैसे दिल्ली का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे एनसीडी चुनाव का पारा चढ़ा है। चुनाव जिसमें मच्छर पर चर्चा होती है, मच्छर के साथ बीमारी पर चर्चा होती है, गंदगी की चर्चा होती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन्स पहुंच गए हैं अपना वोट डालने के लिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और वहां पर हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, कुछ देर में जुड़ेंगे। ईस्ट निजामुद्दीन से विक्रांत हमारे साथ हैं, जहां शीला दीक्षित को पहुंचना है, तीन बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस वक्त जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और जाहिर है वहां पर अपना वोट डालने के बाद वो जरूर मीडिया से रूबरू होंगे। सिविल लाइन्स पॉश इलाका माना जाता है राजधानी का, यहाँ पर तमाम जो सत्ताधारी लोग दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं इन इलाकों में रहते हैं, और ये उत्तरी नगर निगम में आता है। एमसीडी के ट्राइफर्केशन यानी तीन हिस्सों में बांटे जाने के बाद ये उत्तरी जो निगम है उसमें ये हिस्सा आता है, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। आखिर के कुछ दिनों में तापमान अगर बहुत ऊपर चढ़ा एमसीडी चुनाव में, तो उसमें तमाम बयानबाजी हुई, अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कह दिया कि बीजेपी तो डेंगी वाली पार्टी है। तीन खास मेहमान आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, नलनी सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार है, चुनाव विश्लेषक संजय गुप्ता जी, संजय कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। इन तीनों से एक एक रिएक्शन जल्दी से ले लेते हैं। नलनी जी, आपसे शुरू करते हुए, बहुत दिलचस्प है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये तो डेंगी वाली पार्टी है, अगर इनको वोट दिया तो आप समझिएगा, मतलब उनका वो पुराना अंदाज उनको लग रहा है कि इस बार भी चल जाएगा। हताश, मुझे लगता है कि कुछ हताश हो गए ज्यादा, और जो कि दिल्ली के लोग अभी इस वक्त जो उनके एक प्रक्रिया जैसी आ रही है, तो लगता भी है कि हताश होने के कुछ कारण भी है उनके। और देखिए, उसके साथ में उन्होंने ईवीएम जोड़ दिए, हाँ। और ईवीएम पे कह दिया, कई सवाल उन्होंने उठा दिए, और फिर ये कह देना कि डेंगी और चिकनगुनिया के बारे में, वो मैं समझती हूँ कि सभी को करना चाहिए था कि सभी साफ सफाई रखेंगे, लेकिन उन्होंने केवल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल दिया या दूसरे पे डाल दिया, तो इतना परिपक्वता पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया। पहले आप शीला दीक्षित पे इतना चीखते थे, आप देख रहे थे कि इस बार आप कैसे सिर्फ डाल सकते हैं। एक और देख रहे थे कि मनोज तिवारी कैसे लगे हुए थे पूजा पाठ में। असल में ये प्रतीक है, पूर्वांचली कितने आ चुके हैं दिल्ली में, उसका ये एक बहुत बड़ा भारी प्रतीक। पूर्वांचली आलोक जी लगभग 80 वार्ड्स में निर्णायक होते हैं, मतलब 40 लाख से ज्यादा उनकी आबादी है, इसीलिए मनोज तिवारी का चेहरा आगे किया। और इसके साथ ही मैं एक और सवाल जोड़ना चाहती हूँ, रैली हो रही थी उसमें लास्ट में अमित शाह विड्रॉ कर गए, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी थी, और स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी छुट्टी पर है, हमेशा के लिए छुट्टी पर दे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली का पारा कहाँ है।
देखिए इसमें कोई शक नहीं, भाजपा को आत्मविश्वास बढ़ा है। पहले लगता था कि जो कि काम नहीं किए इसीलिए बहुत सारे उम्मीदवार बदल दिए, और अब लगा वजह से लग रहा है कि बड़ी आत्मविश्वास और बढ़ गया, मोमेंटम बन गया। और उनको लगा देखिए सेंटर पहली बार में 71 से दिल्ली में, और कॉरपोरेशन मैंने कवर भी किया है, आज आप देखिए प्रधानमंत्री के नाम पर कॉरपोरेशन के वोट ले रहे हैं। मतलब मनोज तिवारी आए हैं और ये सही है, उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़ी संख्या में वोटर का फायदा तो है ही, बीजेपी को मिलने की कोशिश है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अभी भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है भाजपा को, अपने जो डॉक्टर हर्षवर्धन, विजय गोयल, जो पुराने विजय गोयल के तो पिताजी डिप्टी मेयर रहे, हर्षवर्धन का नाम ले लिया, बीजेपी बड़ा हिचक कर लेती है। मतलब नीचे में उनकी फोटो अब डाली हुई है डॉक्टर हर्षवर्धन की, विजय गोयल की, तमाम लोगों की, सबसे ऊपर तो मनोज तिवारी है। और इसीलिए संजय जी मेरा आपसे सवाल कि ब्रांड मोदी पर वोट मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या अरविंद केजरीवाल उस व्यवस्था के खिलाफ एंग्री यंग मैन की भूमिका में रहते हुए एमसीडी चुनाव में भी जाना सही रणनीति है? बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप चुनाव के कैंपेन कैसे चल रहा है, आप देखेंगे सारी पार्टियां ज़्यादातर अपनी बात ना कहके दूसरी पार्टियों की कमियां नहीं बता रहे हैं। बीजेपी इसमें अभी भी फिर थोड़ी अलग है, बीजेपी वोट मोदी के नाम पे मांग रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कभी भी दिल्ली सरकार के काम की उपलब्धियों पे वोट ना मांगा, बल्कि बार बार या तो कभी ईवीएम, कभी मोदी, कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस, दूसरों पर प्रहार करते रहे। और उन्होंने कभी अपनी बात नहीं कही कि उनकी पार्टी के सरकार ने दिल्ली के 2 साल में किन किन चीज़ों पे काम किया। अगर वो पॉजिटिव अप्रोच रखते तो मुझे लगता है शायद वोटर ज्यादा उनके साथ संपर्क बना पाती। ठीक है, और इसी के साथ एक बार फिर से जरा मनोज तिवारी की वो तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जब वो पूजा करके पूरा एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल निकले और जैसे ही सवाल दागा गया कि रेफरेंडम कहीं आपकी सरकार के खिलाफ तो नहीं, तो उसका जवाब दिया नहीं ज्यादा, कहा इंतजार कीजिए रिजल्ट का, और आपको भी बस बुधवार तक ही इंतजार करना है। क्या ब्रांड मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल या फिर अजय माकन जमीन पर कहीं पैर अपना रख भी पाते हैं, इसका नतीजा सामने आ जाएगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, तमाम सहयोगी दिल्ली के कोने कोने में हमारे साथ मौजूद हैं जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन नलिनी जी, आपके साथ मनोज तिवारी की तस्वीरों पर मैं टिप्पणी चाहती हूँ। क्या कोशिश ये है कि जो यूपी में एक हिंदुत्व का एजेंडा कायम हुआ, बीजेपी इन तस्वीरों के साथ उसी को आगे बढ़ाती हुई सुबह सुबह आप कह सकते हैं? हाँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि मनोज तिवारी कहेंगे कि ये मेरी रोज की दिनचर्या है, मैं तो सुबह ही करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए आपने हिंदुत्व की बात की, एक चीज नोट करने वाली है कि 3 मुख्यमंत्रियों को यहाँ आना था भाजपा के, योगी को आना था, शिवराज चौहान को आना था, और एक अन्य मुख्यमंत्री को आना था, शायद वसुंधरा को, राजस्थान वसुंधरा, 3 मुख्यमंत्री को आना था, और तीनों में से कोई नहीं आए, और आपने कहा कि अमित शाह भी नहीं आए। ये 2 चीज़ों का एक द्योतक है, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि इनके आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा है कि क्या खिचड़ी पक रही है भाजपा के भीतर। लेकिन एक बात मनोज तिवारी से आप जरूर पूछेंगे, मुझे उम्मीद है, वो ये है 10 साल के बाद राज करने पर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर, तीनों पर अभी भी बात हो रही है सफाई की, अभी भी बात हो रही है सुएज जो पूरी व्यवस्था है, भी एक भी काउंसलर को रिपीट करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, और क्या काउंसलर वापस जा नहीं पा रहे। और एक बात है कि स्कूलों का हाल ये है कि 50,000 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल छोड़ करके प्राइवेट में जा रहे हैं, जा चुके हैं, उनको यूनिफॉर्म नहीं मिली, तो ये सब बातें पूछे कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आप पर नहीं नजर आ रही, लेकिन काम में आप लोग इतने ज्यादा पीछे हैं। मनोज तिवारी इसका जवाब बस कुछ ही देर में इंतजार है, क्योंकि गमछा टांग कर वो तैयार हो गए हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ आज तक पर वो जुड़ेंगे, और उनके अलग पूर्वांचली अंदाज में। सबसे दिलचस्प है आलोक जी कि जब भी वो जाते हैं हर जगह पर, तो उस पूर्वांचली अंदाज का तड़का जरूर लगाते हैं, या तो 2 लाइनें गाकर, या फिर उस तरह से सब ठीक बाना बोलकर, मतलब उनको भी एहसास है कि पूर्वांचलियों को खींचना है, और इसीलिए शायद अमित शाह की इस बार रणनीति रही। पिछली बार की तस्वीर जो सबसे ज्यादा दिखी थी वो थी किरण बेदी कार पर चढ़ गई थी अपने पिंक सूट में, इस बार की तस्वीर ये होगी? देखिए जिस तरह से हालत है उसमें एक बदली हुई तस्वीर, चूंकि वो एक्टर भी है, गायक भी है, और मुझे लगता है कि एक बड़ा ग्लैमर, आपको याद हो सुषमा स्वराज जी को एक बार दिल्ली का मुख्यमंत्री पद मिला था, और उसके बाद चुनाव हुए तो बड़ी कठिनाई सामने आई थी, और बाद में उनको लगा भी कि इतनी जल्दीबाजी में परिवर्तन हुआ। मुझे लगता है कि मनोज तिवारी को अभी से तैयार किया जा रहा है आगे के लिए, चाहे दिल्ली हो या बिहार हो। देखिए उत्तर प्रदेश में भी उनकी जरूरत पड़ी थी, तो ये प्रोजेक्शन हिंदुत्व के साथ एक ग्लैमराइज चेहरा हो, जबकि दिल्ली के लोगों के साथ उनका जुड़ाव उतना शायद अभी नहीं था। ग्लैमर जोड़ दिया गया,
बिल्कुल ग्लैमर जोड़ दिया, मुझे लगता है ग्लैमर से ज्यादा ये पूर्वांचली वोट जिसकी आप चर्चा कर रही हैं बार बार, और आपने बताया भी कि कम से कम 80 ऐसे काउंसिल क्षेत्र हैं जहां पे उनका वोट बहुत निर्णायक है, लगभग 30-40% पूर्वांचली वोट है उन इलाकों में, तो उनको उनके वोट को अपनी तरफ खींचने का ये एक बहुत बड़ा प्रयास। पूर्वांचलियों ने हमेशा ये संदेश दिया है, नलिनी जी एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ा है, पूर्वांचलियों ने हमेशा ये संदेश दिया है कि चाहे टॉप ब्यूरोक्रेसी हो, हम सिर्फ बोझ नहीं उठाते हैं बल्कि दिल्ली को हम आगे ले जाते हैं, तो हमारी कही सुनी उसका कोई अर्थ है क्यों नहीं इस राजधानी में, जिससे मैंने शुरुआत किया था कि एक हिंदुस्तान सिमटा है दिल्ली में, क्या कह रहा है वो छोटा हिंदुस्तान जो दिल्ली में सिमटा है।